वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्लॉग। शुरू करते हैं अपने एक और जर्नी। मैं हूँ उज्जैन में। तो पहले हम गए थे रात को उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए। समथिंग 8 बजे का टाइम हो रहा था। वहाँ चल रही थी आरती तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। बीच में ही यहाँ पर प्रवेश द्वार पे रोक लिया गया था। अंदर एंट्री काफ़ी बंद थी क्योंकि अंदर बंदे जा नहीं रहे थे, आरती चल रही थी। तो हम भी लग गए भीड़ में। ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर। किसी तरह पहुँच गए हम प्रवेश द्वार पर। उसके बाद हमने करी अंदर एंट्री, अंदर किए हमने महाकाल के दर्शन। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम चले गए अपने रूम पर। फिर सुबह होकर हमने दर्शन किए यहाँ पर एक रामघाट के। ये जगह आप देख रहे हैं, ये रामघाट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। हम अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से कोटा। हमारी ट्रेन है 11:50 पर। ट्रेन संख्या क्या है बताता हूँ मैं अंदर जाने के बाद। फिलहाल भी हम बाहर खड़े हैं उज्जैन जंक्शन के। जाने से पहले मेरे दोस्त को लग गई थी भूख, तो हम चले गए रेस्टोरेंट कुछ खाना खाने के लिए। हमने खाया यहाँ पर पराठे, चाय। भूख काफ़ी लग गई थी हमको। अब चलते हैं वापस हम स्टेशन पे। हम लोगों की टिकट थी रिटर्न में वापस दिल्ली के लिए, बट वो टिकट कंफर्म नहीं हुई तो हमको अब कोई और रूट देखना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं हम कोटा, उसके बाद हम जर्नी करेंगे कंटिन्यू। तो जाके पहले हम लेते हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म से टिकट। अभी हम जाने वाले हैं अपना जनरल टिकट से। तो ये मशीन होती है यहाँ पर, एक दिखाता हूँ मैं आपको। ये मशीन है, इससे आप निकाल सकते हैं फटाफट अपनी टिकट। मैं निकाल रहा हूँ कोटा के लिए। प्राइस आप देख सकते हैं 105 रुपये है। इसको टिकट को लेते हैं 2 टिकट और चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। ये है उज्जैन का प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन आएगी। वेट करते हैं कब तक आती है हमारी ट्रेन। अब हमारी जो ट्रेन है वो 11:55 पर यहाँ से चलेगी। उसका जो टाइमिंग है पहुँचने का उज्जैन, वो है 11:55 का। ट्रेन संख्या क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले चलते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। ये यहाँ पर एक छोटा सा चार्जिंग सॉकेट मेरे को मिला है फ़ोन चार्ज करने के लिए। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था। इस ट्रेन से हम ट्रैवल करने वाले हैं। इस ट्रेन का नंबर है 20845, 20845। पहुँचने वाली है ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो सामने से ट्रेन आ रही है यही हमारी ट्रेन है जो जाएगी हमारे को लेके कोटा। ये ट्रेन आधे घंटे पहले पहुँच चुकी है प्लेटफॉर्म पर। अभी 11:30 भी नहीं हुआ और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है, जबकि इसका टाइमिंग यहां से निकलने का है 11:55 का। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अपना हमारा कहां पर है हमारा जनरल कोच, और देखते हैं सीट मिलती कि नहीं मिलती। यह है इसका टिकट 105 रुपये, जो पहले दिखा चुका हूं मैं आपको। ट्रेन संख्या बता ही चुका हूँ 20845, जो चलती है ट्रेन बिलासपुर से। और इसका क्या क्या रूट है मैं बता देता हूँ आपको, बट इसको अभी हम बोर्ड करेंगे, वो करेंगे उज्जैन से। सामने आप देख सकते हैं यह जनरल कोच। अभी टाइम हो रहा है एकदम करेक्ट 12 बज गए। ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म से। ये जो प्लेटफॉर्म है यह है उज्जैन। उज्जैन को करते हैं टाटा बाय बाय और इसको आके बैठ जाते हैं। अगला स्टेशन हमारा आएगा वो है कोटा। इसका क्या रूट होने वाला है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले यहाँ से निकलते हैं हम और जाके थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाते हैं। मेरे को टॉयलेट लगी थोड़ी सी, चेक कर लेंगे कैसा है इसका वॉशरूम। यह है इसका वॉशरूम, कुछ कैसा दिखता है अंदर से। पानी वानी तो आ ही रहा है। वेस्टर्न कमोड है। तो बात करते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आएंगे उसकी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये चलती है उज्जैन से, अगला आएगा नागड़ा, चौमला, स्पेलिंग अगर गलत ना बोल रहा हूँ तो। फिर आएगा सुअसरा, सामगढ़, भवानी मंडी, लास्ट में कोटा। सफ़र करते हैं अपना एंजॉय। ये जो हमारा डिस्टेंस होने वाला है उज्जैन से कोटा के बीच में, वो डिस्टेंस होने वाला है अराउंड 280 किलोमीटर का। इस जर्नी को कंप्लीट करने में हमारे को लगेंगे अराउंड 4 घंटे 40 मिनट। जो इसका डिपार्चर टाइम था उज्जैन रेलवे स्टेशन पर वो था 11:55 का। जो इसका टाइमिंग है कोटा रेलवे स्टेशन पर, उसका टाइमिंग है 4:40 का दोपहर में। तो हम लोग बैठे हुए हैं दोनों, वेट कर रहे हैं सामने से हमारी ट्रेन क्रॉसिंग करते हुए। बहुत सुंदर नज़ारा है ये। तो करते हैं अपनी राइड को एंजॉय और देखते हैं ट्रेन हमारी कब तक पहुंचाती है हमारे को कोटा रेलवे स्टेशन पर। अभी आने वाला है हमारा कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ से स्टूडेंट चढ़ेंगे तो इसलिए हमें वहाँ से फटाफट बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद काफ़ी भीड़ आने वाली है। तो जैसे ही गाड़ी रुकेगी हमारी प्लेटफॉर्म पे, हम निकलना चालू हो जाएंगे। अभी देख सकते हैं आप कि 4:45 हुआ है।
ट्रेन ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच चुकी है हमारी कोटा रेलवे स्टेशन। अभी हमने उतना बाहर चालू भी नहीं किया और हमारे स्टूडेंट्स की भीड़ अंदर आने लग गई है, तो फटाफट हमें धक्का मुक्की करके बाहर निकलते हैं और फिर बताते हैं आपको ट्रेन के बारे में। तो फायदा भारी शरीर का। पहुंच चुके हैं कोटा, यह है कोटा जंक्शन। यहाँ पे हो रहा है टाइम 4:40, ट्रेन एकदम टाइम पे पहुंचा दिया हमारे को, बता रहा ना भाई? फिर ठीक है। ये जो ट्रेन है ये चलती है बिलासपुर से और इसका जो लास्ट स्टॉप है वो है अपना बीकानेर। तो निकलते हैं प्लेटफॉर्म से बाहर, कुछ ऐसा दिखता है हमारा कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी हम चलते हैं बस के लिए अपना। अभी हम आ चुके हैं स्टेशन से बाहर, अभी जा रहे हैं हम बस स्टैंड की तरफ। कंटिन्यू रहेगी हमारी जर्नी, बनाएंगे एक और ब्लॉग। है भाई, सही नहीं कह रहा, एक और ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।